Hey dear future engineers, हम हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल ब्रांच के एंड ऑलमोस्ट हमारा भी फर्स्ट ईयर एंड होते आ चुका है। जब हमारा सीटी का रिजल्ट आया था तो हम भी इस कॉलेज के रिव्यू के लिए ऐसा ही यूट्यूब पे देखा करते थे, लेकिन हमें प्रॉपर रिव्यू नहीं मिला जिस हिसाब से हम सोच रहे थे कि हमें अकेडमिक प्लेसमेंट एंड कल्चरल एक्टिविटीज का मिल सकता है। इसलिए हम ट्राई कर रहे हैं कि इस कॉलेज का हम बेस्ट आ पाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं गाइज। तो गाइज अपना कॉलेज कैंपस है 12 एकड़ का, तो कॉलेज कैंपस स्टार्ट होता है यहाँ से। ये सबसे पहले अपना कॉलेज का इंटरफेस, जिससे कि मतलब दिखाया जाता है कि ये अपना गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर है। एंड यहाँ से स्टार्टिंग के बाद स्टार्ट होता है हमारा एंट्रेंस, तो लेट्स गो। गाइज ये लिखा है हमारा कॉलेज का लेआउट, जो हम आए थे तो हमें भी नहीं समझा था एंड आपको भी नहीं समझने वाला है, तो चलो आगे बढ़ते। यहाँ स्टार्ट होता है अपना एंट्रेंस, तो चलो देखते हैं एंट्रेंस। तो गाइज यहाँ लिखा हुआ है कि मतलब हर ब्रांच में इंटेक कितना रहता है, तो हर ब्रांच में 60 का इंटेक रहता है ऑलमोस्ट एंड स्पॉट एडमिशन सब मिला के 68 का इंटेक रहता है। तो चलो चलते हैं आगे। हमारा एंट्रेंस खत्म होने के बाद आगे हमारा क्वाड्रेंगल, जिसमें सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट दैट मीन्स आप फ्रेशर्स रहोगे एंड ऑलमोस्ट सभी सिविल एंड मैकेनिकल की इंजीनियरिंग बस इस छोटे से क्वाड्रेंगल में ख़त्म की जाती है। क्वाड्रेंगल ये इसमें अच्छी फील आती है, हमारे पूरे कल्चरल एंड टेक्निकल फेस जो है वो इतनी बड़ी जगह नहीं की जाती, इसी जगह की जाती है। तो लेट्स गो। इस कॉलेज में अभी है हमारे दो फ्लोर, नीचे के फ्लोर में बस 2-3 क्लासेस है एंड ये है हमारा ऑडिटोरियम, जिसमें कि हमारे बहुत से प्रोग्राम किए जाते हैं। यहाँ 4-5 एसी लगी हुई है। ये है हमारी लिफ्ट जो कि 2 फ्लोर के लिए बनाई है। तो चलो चलते लिफ्ट से एंड करते ऊपर के दर्शन। हम हमारे कॉलेज के सेकंड फ्लोर पे एंड आप देख सकते हैं ये है जिमखाना डिपार्टमेंट। हमारे कॉलेज में वैसे बहुत से क्लब नहीं है, बस गिने चुने क्लब है, उसमें से एक म्यूजिक क्लब इधर है एंड इसमें टेबल टेनिस का भी कोर्ट है एज वेल, आप यहाँ चेस वेस खेल सकते हैं एंड इधर जो कमिटी रहती है अध्याय एंड ओरान की, इधर ही सिलेक्ट की जाती है। अध्याय ओरान जो है हमारे टेक्निकल एंड कल्चरल इवेंट है, जो आपको यहाँ नहीं पता चलेगा। नीचे देख सकते हैं आप, नीचे है बैडमिंटन का कोर्ट। जैसे सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स की जिंदगी इस छोटे से क्वाड्रेंगल में गुजर जाती है, वैसे हमारे सर्किट ब्रांचेस वालों की जिंदगी एनेक्स में गुजर जाती है, तो इसका रास्ता है यहाँ से। तो चलो चलते हैं एनेक्स। तो गाइज ये छोटा सा एरिया है जिसमें सिविल के कुछ प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं एंड इसके आगे हमारा एनेक्स है। तो गाइज ये हमारा एनेक्स, जो ये हमारा एनेक्स का मेन गेट है, वो भी फिलहाल कंस्ट्रक्शन की वजह से बंद है और आगे भी ये बंद ही रहता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। एंड आफ्टर दैट ये है हमारे एनेक्स की बिल्डिंग। तो गाइज ये है एनेक्स की छोटी सी जगह, बहुत छोटा है हमारा मतलब कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर। इस कॉलेज में बस अभी बचा है एक ग्राउंड, हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल एंड मेस। तो गाइज ये हमारा बॉयज हॉस्टल, तो चलो देखते हैं। ये है हमारा हॉस्टल का कॉमन रूम, जो भी फिलहाल फैसिलिटेशन सेंटर में बदल चुका है एंड ये है हमारे हॉस्टल की लिफ्ट, जो अभी लगी है, नहीं तो हमें 6 फ्लोर पैदल जाना पड़ता था। गाइज ये हमारा हॉस्टल का इंक्वायरी ऑफिस, ये बाजू में है हमारी जिम जो कि अभी स्टार्ट हुई है, तो इसका भी ओवरव्यू लेंगे लेकिन ये चालू होने के बाद। ये हमारी मेस एंड गर्ल्स हॉस्टल, हमें माफ करना, हम गर्ल्स हॉस्टल आपको अंदर से नहीं दिखा सकते, बॉयज हॉस्टल हम आपको बिल्कुल दिखाएंगे। ये है अपने कॉलेज का पार्किंग एरिया, जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों की पार्किंग होती है, साथ साथ वो भी एक पार्किंग एरिया है एंड इसके बाद हमारे पास बस एक ही चीज बचती है, जो है कॉलेज का ग्राउंड।
हमारा ग्राउंड देख चुका होगा। एक्चुअली यहाँ अभी थोड़े थोड़े पेड़ बड़े हैं एंड जब आप यहाँ आ चुके होंगे तब ये पेड़ 6-6 फुट लंबे हो चुके होंगे। गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी एंड इसी जैसे अमेजिंग वीडियोस हम बनाते रहेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन डू हिट लाइक बटन एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। टिल देन मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो तक।